आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक गाय से जो कि हमारे हिंदू समाज में पूजा जाता है उससे आप क्या क्या सीख ले सकते हैं। तो अगर आपको कुछ सीखना है और जिंदगी में कामयाब होना है तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आज मैं आपको गाय की तीन ऐसी बातें बताने वाला हूं ना जिससे कि आपको बहुत बड़ी बड़ी सीख मिलेगी। पहली सीख, प्यार करोगे तो प्यार मिलेगा। अगर आप लोगों से प्यार करोगे तो लोग भी आपसे मोहब्बत करेंगे। आपने गाय को देखा होगा, वो बहुत ही प्रेम से रहती है, बहुत ही प्यार से रहती है। जो भी उसका गौशाला का मालिक होता है उसका ख्याल रखता है, उसके खाने पीने का ध्यान रखता है तो ज्यादा दूध देती है जिससे उसकी कमाई ज्यादा हो पाती है। लेकिन अगर आप गाय का सम्मान नहीं करते, उसके खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, उससे प्यार नहीं करते तो कहीं ना कहीं आपके डेयरी फार्म की जो उन्नति होती है वो कम होती जाती है। अर्थात अगर आप गाय से प्यार करोगे तो गाय आपसे प्यार करेगी, यानी कि अगर आप लोगों से प्यार करोगे तो लोग आपसे प्यार करेंगे, अगर आप लोगों का सम्मान नहीं करोगे तो वो भी आपसे नफरत करेंगे। दूसरी सीख, एटीट्यूड ऑफ पेशेंस। एक गाय बहुत ही विवेक होती है, बहुत ही सहनशील होती है, बहुत ही पेशेंट होती है। गाय बहुत ही शांत रहती है। आपने अन्य जानवरों को, भैंसों को, सांडों को, कुत्तों को, सबको भौंकते वक्ते देखा होगा, बेफिजूल में भौंकते हैं, बेफिजूल में चिल्लाते हैं, लेकिन एक गाय हमेशा शांत रहती है। वो आवाज निकालती है तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने बछड़ों के लिए, लेकिन कभी भी वो बेफिजूल में नहीं चिल्लाती। कभी भी उसके चलने पे ध्यान देना, क्योंकि बहुत ही आराम से चलती है, बहुत ही मध्यम गति से चलती है, उसको किसी बात की जल्दबाजी नहीं होती, उसके लिए दुनिया बहुत ही धीमी होती है। तो आपको भी ये चीज सीखनी चाहिए कि अगर आपको अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो जरूरी नहीं है कि आप जल्दबाजी मचाएं, आराम से करिए, आराम आराम से चलिए, स्लो एंड स्टडी विंस दी रेस। तो अगर आपको अपने कामयाबी को हासिल करना है तो आराम से चलिए, जल्दबाजी जरूरी नहीं है। और नंबर तीन, मिलजुल के काम करना। गाय हमेशा मिलजुल के रहती है। आपने देखा होगा कि गाय के ऊपर कितनी राजनीति होती है, कितनी धर्म और कितनी राजनीति की बातें की जाती हैं। मेरा एक सवाल है कि जो गाय का दूध मार्केट में जाता है उस पे क्या लिखा होता है कि हिंदू के पास जाएगा या मुस्लिम के पास जाएगा, या किसी अन्य जाति या किसी अन्य धर्म का नाम लिखा रहता है? तो अगर गाय राजनीति नहीं करी तो मेरे भाई तुम्हारी औकात क्या है कि तुम गाय के ऊपर राजनीति करते हो। गाय बेचारी इतनी सीधी है, सबका सम्मान करती है, सबसे मिलजुल के रहती है, सबसे प्यार मोहब्बत से रहती है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? हाल ही में आपने एक न्यूज में देखा होगा कि कुछ पपीज थे, उसकी माँ बीमार हो गई थी और मर गई थी, तो अकेले थे तो गाय उसको दूध पिला रही थी, और यही नहीं, वो कुछ दिनों पहले एक बकरी के बच्चे को दूध पिला रही थी। तो सोचो मेरे भाई, सीखो कुछ, मिलजुल के रहना सीखो यार। धर्म, जाति, राजनीति, इन चक्करों में मत पड़ो। इनका तो काम है रोजी रोटी कमाना, इनका तो काम है पावर में आना। तुम अपने आप को देखो। लेकिन जो एक गाय का सम्मान करता होगा वो वीडियो को लाइक जरूर करेगा और वीडियो को शेयर अवश्य करेगा। तो चैनल अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल नोटिफिकेशन आते हैं उसको प्लीज ऑन कर लेना, ताकि ऐसी और वीडियोस आपको मिलती रहें।